दोस्तों, आपने जीवन में कई बार ट्रेन में सफर किया होगा और कई बार मुश्किलों का सामना भी किया होगा और कई बार यात्रा के दौरान आपका दिल रोमांच से भी भर गया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे रूट पर यात्रा की है जो आपको मौत से सामना कराते हुए जिंदगी से रूबरू करवा दे? आप सोच रहे होंगे भला ऐसी खतरनाक यात्रा कौन करना चाहेगा, लेकिन घबराइए मत जनाब, दुनिया में इंजीनियर की एक ऐसी जमात है जिसने अपने हुनर और विज्ञान के बूते उन मुश्किल रास्तों पर रेलवे ट्रैक की दुनिया बिछाई जहां कुदरत ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक रेलवे ट्रैक से रूबरू करवाएंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक रेल रूट के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए होश उड़ा देने वाली इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। नंबर 5, रेपियर गिस्बोन रेलवे लाइन न्यूजीलैंड। नेपियर से गिस्बोन तक का ये रेल मार्ग अपने आप में अनूठा है क्योंकि इस गिस्बोन के एयरपोर्ट रनवे या फिर हवाई अड्डे के मुख्य रनवे से होकर गुजरता है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की अनुमति के बाद ही ट्रेन यहाँ पर बनी पटरियों से गुजर सकती है। नंबर 4, कुरांदा सिनिक रेलवे केन्स ऑस्ट्रेलिया। ये रेल मार्ग केन्स से कुरांदा के बीच में स्थित है। इसका इस्तेमाल पर्यटन और माल ढुलाई सेवाओं के लिए किया जाता है। ये ट्रैक लंबाई में है 37 किलोमीटर और इससे एक तरफ का सफर 1 घंटे 55 मिनट में तय किया जाता है। नंबर 3, ट्रेन ए लॉस न्यूबस। अर्जेंटीना के साल्टा प्रोविंस में एक टूरिस्ट सर्विस ट्रेन है। ये विश्व की 5वीं सबसे ऊंची रेल सर्विस है। जिस ब्रिज से ये ट्रेन होकर गुजरती है वो अर्जेंटीना में समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसे ट्रेन टू द क्लाउड भी कहा जाता है। इस रेलवे लाइन में 29 ब्रिज, 21 सुरंगे, 13 व्याडक्ट्स, 2 स्पाइरल और 2 जिगजैग है। ये ट्रेन 16 घंटे के सफर में 217 किलोमीटर की यात्रा करती है जिसमें 3000 मीटर की चढ़ाई भी चढ़ती है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1920 में हुआ और इस प्रोजेक्ट के हेड अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड फोंटेन मरे थे। नंबर 2, बर्मा रेलवे द डेथ रेलवे। इन सारे रेल मार्गों में एक ऐसा रेल मार्ग भी है जिसे डेथ रेलवे भी कहा जाता है। ये रेल मार्ग बैंकॉक, थाईलैंड, रंगून और बर्मा के मध्य में स्थित है। इसकी लंबाई 415 किलोमीटर है। इसके डेथ रेल मार्ग नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस रेल मार्ग के पुल का निर्माण करते वक्त लगभग 1,00,000 मजदूरों की कवाई नदी में गिरने से मौत हो गई थी। इसको 1947 में बंद कर दिया गया और 10 साल पूरे होने पर फिर से 1957 में इस रेल मार्ग को खोल दिया गया। नंबर 1, रामेश्वरम रेल मार्ग चेन्नई। ये एक ऐसा रेल मार्ग है जो समुद्र के ऊपर से होकर गुजरता है। इस रेल ब्रिज को पंबन ब्रिज भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु को रामेश्वरम के पंबन द्वीप से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य अगस्त 1911 में शुरू हुआ था। 24 फरवरी 1914 में ये बनकर तैयार हो गया। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। जहाजों को वहां से पास कराने के लिए पुल के मध्य भाग को खोला जाता है। 23 दिसंबर 1964 में भयंकर तूफान की वजह से पंबन ट्रेन पटरी से पलट गई थी जिसके कारण 150 लोगों ने अपना जीवन खो दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से एक जगह पर भेज दिया जाए तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ना। एक वीडियो कैसी लगी और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे और भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। सबसे पहले धन्यवाद।